माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान यहां कुछ महिलाएं पाई गईं। पुलिस ने कुछ महिलाओं को रोकने की कोशिश भी की लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 महिलाएं हैं, सभी महिलाएं बुरके में थी। बाद में महिला पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे पूछताछ की गई। आशंका जताई जा रही थी कि महिलाओं में से कोई एक असद की मां और वांटेड आरोपी शाइस्ता परवीन हो सकती है। हालांकि कब्रिस्तान की मस्जिद में छिपी हुई महिलाओं में शाइस्ता परवीन नहीं थी। अतीक की बहन शाहीन, उनकी बेटी और 3 रिश्तेदार महिलाएं थी। पुलिस ने 1.5 घंटे की पड़ताल के बाद सभी को वापस जाने दिया। इससे पहले एक महिला मेन गेट से गई थी, उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने खुद को बुआ बताया था। कब्रिस्तान में महिलाओं को देखे जाने के बाद सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या इन महिलाओं में शाइस्ता परवीन भी शामिल है। हालांकि इस सवाल का जवाब जाँच के बाद मिल गया। जाँच के बाद पता चला कि शाइस्ता परवीन मौके पर नहीं आई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान उसकी बुआ समेत परिवार के कुछ अन्य लोग मौजूद थे। अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया, ना ही उसकी मां शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में शामिल हो पाई। बता दें कि यूपीएसटीएफ ने झांसी में असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को एनकाउंटर में मार गिराया। उसके बाद दोनों के शवों को प्रयागराज से झांसी लाया गया। बता दें ये दोनों ही उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे। गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार चल रहे थे। फिलहाल की इस खबर में